हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टेक्निकल नॉलेज में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ देश और दुनिया जुड़ी कुछ नई टेक अपडेट्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले तो आपसे माफ़ी, क्योंकि बहुत सारे दिनों से मैं आपके लिए कोई वीडियो लेके नहीं आ पाया हूँ। उसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा। दोस्तों ये है मेरा एक नया सेटअप, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा नया सेटअप कैसा लगा। दोस्तों हमारा जो पहली अपडेट है वो है यहाँ पर व्हाट्सएप को लेकर। दोस्तों यहाँ पर व्हाट्सएप में एक नया अपडेट जो है वो आने वाला है, जिसमें कि यहाँ पर व्हाट्सएप का एक डार्क मोड सामने आया है। और साथ ही साथ यहाँ पर व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज फॉरवर्ड होता है तो अभी तो लिखा आता है कि मैसेज फॉरवर्डेड है, लेकिन वहाँ पर अब आपको पता चल जाए कि ये मैसेज कितनी बार फॉरवर्ड यहां पे किया जा चुका है। दोस्तों जो अगली अपडेट है वो है यहां पर गूगल कैमरा के 6.2 वर्जन के बारे में। दोस्तों यहां पर जो गूगल कैमरा का 6.2 वर्जन है उसका जो अपडेट नया अपडेट आया है, जिसमें कि आपको यहां पर बहुत सारे मोड देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहां पर मेजर मोड सामने आया है, टाइम लैप्स आया है, और साथ ही यहां पर आपको डार्क ऑप्शन भी देखने को मिले हैं। यदि आपके पास गूगल कैमरा है तो आप इसको, यदि आप गूगल कैमरा का यूज करते हैं तो आप इसको जरूर से अपडेट कर लीजिए। दोस्तों अगली जो अपडेट है वो है यहां पर नोकिया के X71 को लेकर। दोस्तों ये जो है लॉन्च हो चुका है ताइवान में। दोस्तों यहाँ पर ताइवान मार्केट में इस फोन को लॉन्च किया जा चुका है, जो कि आता है यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल के तीन कैमरे। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है वो आता है स्नैपड्रैगन 660 के साथ, और इसमें आपको 3500 एमएएच की बैटरी मिलेगी, जो कि यहाँ पर 18 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। मतलब यहाँ डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक फास्ट चार्जर साथ में देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि हम इसकी प्राइस की बात करते हैं, यहाँ की इसकी जो ताइवान में वहाँ पर जो प्राइस रही है वो रही है लगभग 11,900 ताइवान डॉलर, मतलब इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये आता है लगभग 26,600 रुपये के आसपास। दोस्तों देखना ये है कि ये इंडियन मार्केट में कब तक आता है, किस प्राइस रेंज में हमको देखने को मिलता है। दोस्तों अगली अपडेट है वो है यहाँ पर नोकिया के 8110 4G बनाना फ़ोन के बारे में। दोस्तों ये जो फ़ोन है इसके लिए व्हाट्सएप जो है वो सामने आ चुका है, मतलब आप इस फ़ोन में अब व्हाट्सएप का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप व्हाट्सएप का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको नोकिया के जो स्टोर है उससे जाके डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूँ कि जो नोकिया का यह स्मार्टफोन है यह काई OS पे वर्क करता है, जो कि अपने इंडिया में जो जियो फोन 2 आते हैं वो भी सेम ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ में बेल आइकन उसको दबा दीजिए, जैसे मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगी आपके पास। दोस्तों आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।